रखे गए हैं। तो आखिर मेडिकल क्षेत्र की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कौन कौन से जो ऐलान है इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से किए गए, मेडिकल क्षेत्र जो है वो ऐसा सेक्टर इस बार रहा है जिसमें सबसे ज्यादा फोकस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रहा। स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ मिला है इस पर अगर बात करें तो यहाँ पर चिरंजीवी योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से इसके दायरों को यहाँ पर बढ़ाया गया है जिसमें 10 लाख रुपये इसकी सीमा कर दी गई है। कॉक्लियर इम्प्लांट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी अब यहां पर फ्री में होगा, यानी जो गंभीर बीमारियां हैं उस पर भी फोकस किया गया है। और आने वाले साल में 18 जिलों में नए नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि 7 जिलों में नर्सिंग कॉलेज का काम जो है वो इस वक्त चल रहा है। अस्पतालों में सुविधा विस्तार के लिए 100 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। वहीं 4 जिलों में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस खोलने का ऐलान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में किया। इसके अलावा बात करें तो चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। वहीं 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। वहीं प्रदेश में 100 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का ऐलान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में किया है। इसके साथ ही सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दंत चिकित्सक यानी कि जो डेंटिस्ट हैं उनकी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, उनकी नियुक्ति यहां पर की जाएगी। इसके साथ चिरंजीवी योजना में कलेक्टर को ये अधिकार दिया जाएगा, वो पात्र व्यक्ति जिनके पास कार्ड नहीं है चिरंजीवी योजना का उन्हें भी फ्री में इस सुविधा का लाभ दिया जा सके, इसका अधिकार कलेक्टर के पास होगा। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में OPD और IPD को पूरी तरीके से मुफ्त कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा के क्षेत्र में की। OPD और IPD पूरी तरीके से मुफ्त होगी। वहीं सरकारी अस्पतालों में अब बिना पैसे दिए इलाज उपलब्ध कराया जा सकेगा, पूरा इलाज यहां पर फ्री मिलेगा। वहीं चिरंजीवी योजना में शामिल परिवारों को 5 लाख दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा 19 ब्लॉक पर 20 करोड़ की लागत से आयुष चिकित्सालय तारानगर और भरतपुर में आयुर्वेद कॉलेज खोले जाएंगे। ये वो तमाम बड़े ऐलान है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा के क्षेत्र के लिए किए। वहीं बात करें पर्यटन की तो पर्यटन विकास कोष की राशि को भी बढ़ाया गया है, 1000 करोड़ रुपए यहां पर किया गया है। टूरिज्म पर भी पूरी तरीके से फोकस।